हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल फोन से स्मार्ट वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि आप सिर्फ एक मिनट में नए पोर्टल से वोटर आईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। नए पोर्टल से अपने ओरिजिनल वोटर आईडी को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है और गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे वोटर ECI। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं voters.eci.gov.in। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप मतदाता सेवा पोर्टल पर आ जाएंगे। और इस पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर ओरिजिनल वोटर आईडी को डाउनलोड करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक लास्ट में ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ईपिक डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप रिडायरेक्ट लॉग इन के पेज पर आ जाएंगे। अगर आपका इस पोर्टल में पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड टाइप करके लॉग इन कर लेंगे। और अगर आप इस पोर्टल में पहली बार आए तो सबसे पहले आपको इसमें नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप फॉर न्यू यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करके और कैप्चा कोड फिल करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा इस पोर्टल में पहले से अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करके इसमें लॉग इन करेंगे तो आप डायरेक्ट पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद फिर से यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से ऑप्शन मिल जाता है ईपिक डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपिक नंबर, यानी कि जो भी आपका वोटर आईडी नंबर है उसको यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। वोटर आईडी नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट स्टेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेट की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। इनमें से जो भी आपके स्टेट का नाम है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और जो भी आपने ईपिक नंबर को टाइप किया था उसकी सारी डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसका नाम देख सकते हैं, उसके पिता का नाम देख सकते हैं, स्टेट का नाम देख सकते हैं और साइड में स्क्रॉल करके उसकी आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ स्टेट के नाम देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, मेघालय, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा, लद्दाख स्टेट आर नॉट अवेलेबल फॉर ईपिक डाउनलोड। यानी कि यहाँ पर जो भी स्टेट के नाम दिए गए हैं, जो भी इन स्टेट से बिलोंग करता है वो अपने यहाँ से अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकता। इन स्टेट की ऑनलाइन वोटर आईडी डाउनलोड करने की सुविधा कुछ समय के लिए बंद कर दी गई है। आने वाले समय में आप इस पोर्टल से ओरिजिनल वोटर आईडी को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने वोटर आईडी नंबर से अपने वोटर आईडी की डिटेल्स को पता कर सकते हैं और यहां से अपने ओरिजिनल वोटर आईडी को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।